गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 2:45 और आप देख सकते हैं मैंने पी पहनी है साड़ी, मैं तैयार हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ भागवत में। भागवत मैं एक ही दिन जाती हूँ, जब भी मतलब जितने दिन होती है उतने दिन मैं एक बार में भागवत ज़रूर जाती हूँ। सो आज है रुक्मणी विवाह और रुक्मणी विवाह है, सो मैं और मेरे दोनों बच्चे साथ जा रहे हैं। और गाइस हम लोग 3 बजे निकलेंगे, 2:45 बज गया है। सो 1-2 घंटे वापस आ जाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं बैठेंगे गाइस। तो बस कल लास्ट डे है और परसों जो है भंडारा है। सो गाइस मैं हम लोग बस निकल रहे हैं और मम्मी लोग के साथ ही जा रहे हैं। मम्मी लोग 3 बजे निकल जाते हैं और जो भागवत ख़त्म होती है वो 7:30 तक होती है। सो बस उन्हीं के साथ में हम लोग आज जा रहे हैं। सो आज आपको दिखाते हैं भागवत का मैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर और कैसा कैसा हो रहा है। सो आपको मैं जो भी है वहाँ का सब कुछ दिखाऊँगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। लेकिन आप देख लीजिए मेरे दोनों बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो देखिए ये लोग भी दोनों तैयार हो गए हैं, बस निकलेंगे। इसका तो मुंह सड़ा रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ इसका चलते ही रहता है। तो निकलती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। सो एवरीवन, यहाँ पर जो है मम्मी पापा जी और मैं और दोनों बच्चे साथ में जा रहे हैं। तो ये जो है बड़े घर से गाड़ी भेज दिए थे कि आप लोग यहाँ तक आ जाओ। तो हम लोग बड़े घर से बड़ी मम्मी को लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे आगे। अरे भैया अब बताओ भोग कैसे लगे? को बोले भोग में तो स्वयं ही गोवर्धन भगवान को आना पड़ेगा। बोले ठीक है आ जाऊंगे, लेकिन दोबारा से बुलाना पड़ेगा, एक बार में बता दिया करो, कोई बात हुआ करे तो। ब्रजवासियों से कृष्ण कह रहे हैं कि बार बार क्यों भगवान को ऐसे बुला रहे? एक बार बोले अब कहाँ बैठी थी? मन
भगवान को जो लोग भोग लगाकर एक प्रसाद लेते हैं ना, हम देखते हैं ना भंडारे में जाते हैं ना, क्या स्वाद आता होगा। भगवान का भोग लगता है ना, भगवान का प्रसाद है ना, इसीलिए तो स्वाद आता है। और घर में भी यदि भोग लगे भगवान को तो हम उसे ले तो प्रसाद बन गए ना, अमृत बन जाता है। वेलकम माई किंग, वेलकम मेरे राजा, स्वागत है आपका, आइए दोनों। मस्तक पर मुनिया भी चंदन की सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल के प्रभात बरसाया, वो एवरीवन। अब हम लोग जो हैं भागवत से वापस घर जा रहे हैं, काफ़ी टाइम बैठ लिया, अब जाके बच्चों का थोड़ा देखना है, पढ़ाई स्टडी देखनी है, कुछ खाना वाना भी बनाना है जाके, तो बस निकल रहे हैं। थोड़ी देर बड़ी मम्मी के पास बैठेंगे, मतलब बड़ी मम्मी के घर, और फिर अपने घर निकल जाएंगे। सो एवरीवन, हम लोग घर पहुंच गए, ये बड़ी मम्मी का घर है, और यहाँ देखो दीदी का बेटा, मतलब हमारा बेटा छोटा वाला, सार्थक से थोड़ा बड़ा है ये। ये देखो चाय बना रहा है, और फिर हम लोग भी यहाँ पर बातें करते करते चाय को बना भी रहे हैं और छान भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। गाइज, हम लोग जो हैं घर की ओर निकल चुके हैं, बस इनसे लेंगे चाबी, इनके पास है चाबी घर की, तो शॉप से चाबी लेके हम लोग निकल जाएंगे।
बड़े पापा ने तो बच्चों की पार्टी करा दी, आइसक्रीम खिला दी और ये इतनी बड़ी डेयरी मिल्क भी दिला दी। और जब भी आते हैं बच्चे, बड़ा ही बहुत कुछ खा पी के जाते हैं, पार्टी ज़रूर कराते हैं बड़े पापा लोग। अभी समय हो रहा है 7:30, तो हम लोग अभी अभी अंदर घर के अंदर तो अभी अभी आए हैं। वैसे तो हम भागवत से 6 बजे आ ही गए थे, फिर उसके बाद हम अपने बड़े घर रुक गए थे और मेरी जेठानी भी साथ में गई थी। जाना तो दोनों जेठानियों को साथ में था, तो एक जो है बड़ी वाली वो हमारे, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो हमारे बड़े ससुर जी हैं, बड़ी सास है, उनकी बहुओं की बात कर रही हूँ, तो वो भी सब जेठानियाँ हैं मेरी। तो बड़ी वाली तो जजमान बनी थी तो वहीं बैठे थी, और छोटी वाली मेरे साथ गई थी, और जो मंझली वाली हैं उनको थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे लग रही थी तो वो नहीं गई। बाकी तो हम सभी जाने वाले थे, वो भी जाने वाली थी, तो फिर अचानक से उनको पूरा फीवर ही आ गया तो फिर वो नहीं जा पाए। बाकी हम लोग गए थे और 2-2.5 घंटे गाइस हम लोग वहाँ पर रहे, और बढ़िया से बहुत अच्छा लगा। मोबाइल में तो गाइस हम लोग सुन ही रहे थे, देख ही रहे थे मोबाइल में, और टीवियों में भी आ रहा है, बट अभी जो हम लोग गए तो वो अलग ही अनुभव था वहाँ जाना। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, वहाँ पे जो वो भजन कर रहे थे, इतनी सुंदर सुंदर भजन कर रहे थे कि सुन के बड़ा ही आनंद आ रहा था। सो गाइस अभी मुझे करनी है आरती, क्योंकि जो हमारे पापा जी हैं, मतलब जो मम्मी हैं, वो लेट आएंगी, 7:30 बजे के बाद ही आएंगी। सो गाइस पहले मैं चेंज करूँगी, मतलब पहले आरती कर देती हूँ, घर में संजा जो करनी होती है वो करना है, और उसके बाद मुझे खाना वाना भी देखना है। तो आलू गोभी सूखा बनाना है, सो कट गई है, कट के रखी हुई है, बस मुझे फ्राई करनी है, और जो मिक्स दाल बनानी है तो बस मैं कुकर में चढ़ाऊँगी, सो वो भी फटाफट बन जाएगी। आटा लगा रखा है हमारा, तो बस गाइस अब मैं फटाफट जाके पूजा कर लेती हूँ। और गाइज आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी गाइज हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड थोड़ी देर बाद गुड नाइट होने वाला है, तो गुड नाइट।